क्या नाम है जी आपका? राम कुमार बिश्नोई। क्या पूरा मामला है गली को? ये पहले गली बनी थी, फिर कुछ घरों ने इसको तोड़वा दी, फिर दोबारा ये चले गए एसडीएम साहब के पास या किसी अफसर के पास, भाई ये गली तोड़ के 6 इंच नीची करो। जो आज अब ईओ साहब आपके एमई साहब अभी आप सामने थोड़ी देर पहले गए हैं यहाँ से, उन्होंने कह दिया अभी सही है लेवल पे गली रोड के साथ बना देंगे, बस यही बात थी। वो हमारे समस्या सॉल्व हो गई। नहीं, पहले किस तरह की दिक्कत थी गली की? पहले बनी हुई थी, उसको तोड़ा गया था, फिर दोबारा बनाया गया था। उसमें पहले 2-4 घर आए इसमें गली में, उनके मकान नीचे पड़ते हैं, तो वो कहने लगे भी हमारे घर में पानी पड़ता है, तो इस कारण ये एसडीएम के डीसी के किसी के अफसर के पेश हुए, उन्होंने कमेटी को कह दिया, कमेटी ने ठेकेदार ने तोड़ कर ये छोड़ दी। फिर आज एमई साहब आए थे भी, वो कह गए भी ठीक है रोड के बराबर बना देंगे। सर हाँ, ये जनवरी में टूटी थी, 8 महीने हो गए। 8 महीने में पहली बार अधिकारी आया? हाँ पहली बार। पहले बताया गया था उनको परेशानी जो आ रही? नहीं, हमने कोर्ट में किया केस, कोर्ट का इनके पास नोटिस गया जब। कब किया था बाउजी कोर्ट में? कितने दिन हो गए? 10-11 दिन। 8-10 दिन हो गए कोर्ट का नोटिस जाने के बाद जो है। हाँ, अधिकारी का जो है मसला सॉल्व कर। अब जो गली पहले वाले लेवल के साथ बनेगी या नए लेवल के तरीके से बनेगी? पहले वाले पहले ठीक थी, उसके बाद में तोड़ के कुछ घर भाई इस गली को 6 इंच नीची करो, अभी हमारे मकान नीचे पड़ रहे हैं। हालांकि जो एज ए रूल तो जो गली का पानी है वो रोड पे आना चाहिए सीवर में, ये कह रहे हैं 6 इंच नीची करो, 6 इंच नीचे करने के बाद में सारा पानी घरों में सीवर गली भरी रहेगी 24 घंटे। अब उसके बाद आपने कोर्ट की शरण ली था कि गली को ऊंचा किया जाए? हाँ भाई, रोड से 6 इंच ऊंचा होना चाहिए, मेन रोड से गली 6 इंच मान लो ऊंची होनी चाहिए।